हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिंघाड़ा के बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो पे बने रहें दोस्तों। और सिंघाड़ा मैग्नीशियम पोटेशियम से भरपूर होता है, तो इसको ज़रूर डाइट में शामिल करें। पहले बाज़ार से सिंघाड़ा लाएं और उसको अच्छी तरह से धो लें, और धोने के बाद उसको कुकर में डाल दें और थोड़ा सा पानी डाल के उसमें सीटी लगाएं। 2 सीटी आने तक इंतज़ार करें, उसके बाद उसको ठंडा करें। ठंडा करने के लिए आप उसे डायरेक्ट टैप वाटर में भी डाल सकते हो ताकि वो जल्दी ठंडी हो जाए, और उसको अच्छी तरह से छील के और उसका बाहर का जो छिलका है वो अलग कर दीजिए और सारे सिंघाड़े को छील लीजिए। फिर तड़का लगाइए। तड़का लगाने के लिए आप सिंघाड़े में नमक, लाल मिर्च ऐसे ही डालिए जैसा कि मैं डाल रहा हूँ। थोड़ी कड़ी पत्ता डाल दीजिए। फिर एक तड़का पैन में मस्टर्ड ऑयल डालिए, सरसों का तेल मैंने यहाँ पतंजलि का लिया है, राई के दाने डालिए। जब राई चटकने लगे तो आप कड़ी लीफ डालिए, थोड़ा सा पिंच ऑफ धनिया पाउडर डालिए और बस सिंघाड़े में मिला दीजिए। और अच्छी तरह से जब तेल गर्म हो तो टॉस कर लीजिए। टॉस करने से सारे जो मसाले हैं वो कोट हो जाएंगे वो ऑयल के साथ, और इसको गर्मा गर्म बस सर्व कीजिए। ये अच्छी तरह से कोट हो गए हैं। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लेता हूँ। बाउल में निकालने के बाद बस इस लजीज सिंघाड़ा फ्राई का लुत्फ़ उठाइए, जैसे हमारे जूनियर हर्षल उठा रहे हैं। कैसी लगी बेटा? वेरी गुड।